नमस्कार मु बंदिता पृथ्वी पृष्ठ को माड़ी आसुची कि विपद एक बड़ आस्ट्रॉइड पृथ्वी आड़ को आसुथिबा नै अलर्ट करिछि नासार आस्ट्रॉइड ऑब्जर्वेटरी मिलिथिबा सूचना अनुसार यह आसंता काली पृथ्वीर निकटतर हेब जहाँ उपर सब वैज्ञानिक नजर आस्ट्रॉइड जहाँ को ओडियारे कहा जाए क्षुद्र ग्रह यह हेउछि एक खगोलीय पिंड जहाँ एक ग्रह बा अन्य कोनोसी महाकाशीय वस्तुर अंश पृथ्वी आड़ को आसुथिबा ई आस्ट्रॉइडर नाम हेउछि 2023 FM पृथ्वी आड़ को माड़ी आसुथिबा ई क्षुद्र ग्रह अति विशाल यार आकार 90 हाथी सह समान एहा मध्य अति तीव्र बेगर आसुची यार बेग रही सेकेंड प्रति 16 किलोमीटर तेज बड़ कथा आस्ट्रॉइड टी आसंता काली पृथ्वीर निकटतर हेब यह आस्ट्रॉइडर उच्चता हेउछि 85-270 मीटर याकु गत मार्च 16 ठाब करा जाइथिला तेबे यार गतिपथ संपर्क में मात्र दिनक पूर्व अर्थात April 2 रे जना पड़ी किंतु समस्त मनरे गोटे प्रश्न रहुछि आस्ट्रॉइड टी पृथ्वी देहरे माड़ हेब कि नाही यूरोपीय स्पेस एजेन्सी आकलन ई चिंता को बढ़ाई देछि कारण यूरोपीय स्पेस एजेन्सी रिस्क लिस्ट रे टॉप रे रहिछि आस्ट्रॉइड आकलन कहुछि 23 वर्ष पर पृथ्वी सह यह माड़ हो पारे 2046 February 14 रे धक्का हेबा नै आशंका करा जाउछि आश्वस्तिर कथा हेउछि पृथ्वी सह धक्का हेबार आशंका मात्र 625 रु थरे रहुछि आशंका किंतु अतीतर घटना को देखिले भी आशंका अधिक भयभीत करुछि कारण अतीतर भी 1908 रे पृथ्वी रे धक्का खाइथिला एक आस्ट्रॉइड आउ ध्वंस हो जाइथिला रुषियार 2150 वर्ग किलोमीटर जंगल विपद माड़ी आसिबा कथा कहा जाउछि एवं एही विपद आउ 23 वर्ष पर अधिक घनई पारे किंतु आशंका काली पृथ्वी रो निकटतर हेब ए आस्ट्रॉइड यूरोपीय स्पेस एजेन्सी रो रिस्क लिस्ट रे टॉप रे अछि एना 23 वर्ष पर पृथ्वी सह माड़ हो पारे 2046 February 14 रे धक्का हेबार आशंका रहुछि किंतु ए जो आशंका रहुछि ता 625 रु मात्र थरे रहुछि आशंका एवं अतीतर 1908 रे जते बेले धक्का होइथिला आस्ट्रॉइड रुषियार 2150 वर्ग किलोमीटर जंगल पूरा ध्वंस हो जाइथिला वर्तमान से भयावहता केते अछि केते परिमाणर ध्वंस आम नजर को आसी पारे किंबा तार गतिपथ परिवर्तन करा जाई पारिबो कि नाही ए सबु नै कि प्रश्न एवं आकलन अनुशीलन वर्तमान ठो आरंभ हो गलाणी जेतेबेले आमे आस्ट्रॉइड कथा कहुचे आस्ट्रॉइड रो दिग गति बेग ए सबु उपरे वर्तमान ज्योतिर्विद माने नजर रखिछंती एवं अधिक आलोचना करबा पठाण सामंत प्लानेटोरियम रो उपनिर्देशक सुबेंदु पटनायक आवश्यकता अधिक आलोचना पई अछंती सुक्त पटनायक आपनको स्वागत करछु न्यूज टोडिया को टिके आपनको जानिबाको चाहिबो आस्ट्रॉइड को नै विपद केते मात्रा रे विपद रहिछि आबो पृथ्वी प्रति केते विपद रहुछि एवं आसंता काली केते अधिक निकटतर हेबो कोन से रीका कलन देखंतु जो आस्ट्रॉइड कथा आपण एबे आलोचना करचंती सेइटा गोटे छोट ग्रहण बोली आमे कहि परिबा तार नाम होछि ग्रहण बा इंग्रजी रे आमे ताको आस्ट्रॉइड कहिताउ आज्ञा तो जे आम सौर परिवार रे लक्ष लक्ष संख्यक एबलिया ग्रहण रहिचंती किंतु वैज्ञानिक माने किछि ग्रहण को जहार संख्या प्राय पाखापाखि 20,000 हबो ताहाको नियर अर्थ ऑब्जेक्ट आउ पोटेंशियली हजार्डस आस्ट्रॉइड बा हमको संभाव्य विपद थिबा ग्रहण रो गोटे तालिका करिछती जहार संख्या आउछि 2000 आउ एटा तालिका करिवार जो रहिछि प्रक्रिया सेथिरे जो ग्रहण गुडिक आम पृथ्वीर 70 लक्ष किलोमीटर रु कम निकट को आई मानक तालिका रखा जाए था। तो यो तालिकार आसंता कालीर ग्रहण टी प्रथम अच्छी कारण सी आम जो निकटतर हम से सी पखापाखि 22 लक्ष किलोमीटर निकट को पृथ्वी आसीज कि सूची देवाक चाहे चंद्र आमठू पखापाखि 4 लक्ष किलोमीटर दूर रही तेणु तार पृथ्वीर चंद्र दूरता जहाँ ताठू सी प्राय 5-6 गुण दूरत चली तेणु आम उपर से किसी विपद पड़बार ना कि जो 2046 मसीहा ग्रहण टी से आहरी निकट को आसबार अच्छे किंतु ग्रहण जहाँ आकार सी पृथ्वी प्रति विपद ना कि पृथ्वीर गोटे छोट अंचल प्रति विपद सृष्टि हो पारे जमी आप कहते रशिया 1908 मसीहार तुंगास्का पड़ा जो ग्रहण टी सी पखापाखि 2000 वर्ग किलोमीटर को ध्वंस कर आउ से ग्रहणर आकार 60-70 मीटर मात्र थिला तेणु यो ग्रहणटी ताठू टे बड़ जेहेतु अच्छी से पखापाखि अच्छे तेणु सी से 2000 वर्ग किलोमीटर कहले आमर भुवनेश्वर रू टे बड़ अंचल हम
तो पृथ्वीर से भाया गोटे अंचल को ध्वंस करदेपे से पृथ्वी को ध्वंस करना आदि से समुद्र में पड़ा बा गोटे बण जंगल पड़ो तमर किसी इतना विपद ना बोली कहीपर आज्ञा कि श्रीयुक्त पट्टनायक प्रश्न उठू जो आप कहते भुवनेश्वर भली सहर कि टी बड़ आकार अधिक क्षतिग्रस्त हो पाए कि क्षति को आम एड़ेबा को चाहिए वैज्ञानिक मान चाहिए आस्ट्रोइडर गतिपथ कि तार बेगर पर गति पर सब बर्तमान संभव कि हाँ निश्चित भाव में गत वर्ष आम गोटे नासा द्वारा परीक्षण करा जो थे कि गोटे रॉकेट को जाकि रॉकेट को नहीं गोटे छोट पिंड गोटे छोट आस्ट्रोइड धक्का करा जाइतिला आ से धक्का पर तार गतिपथ को पुणी आकलन करा जो थे कि गतिपथ बदली से प्रमाणित तेणु वर्तमान ठारु वैज्ञानिक मैंने परीक्षण करने आरंभ कले जो थे कि जोबले ग्रहणुटी आम ठारु कोटि कोटि किलोमीटर दूर थी आम गोटे रॉकेट नहीं तादेहरे गोटे पर्टिकुलर डायरेक्शन जो धक्का करवा तार से कक्षपथ दुई रु तीन इंच भी घुंची जाए पृथ्वी पाखु आसला बेलू से लक्ष लक्ष किलोमीटर घुंची जाइ थिबो तेणु से भाया परीक्षण बर्तमान करागला छड़ा आउ गोटे परीक्षण कर जो थे कि गोटे लंजा तारार ऊपर धक्का कर लंजा तार ध्वंस कर दि जाइए मानते खंड विखंडित कर दि जाइए तो से भाया परीक्षण कर आगु को आहुरी अधिक थर परीक्षण करा जिवो एवं अधिक सफलता सहित परीक्षण करा जाए आम प्रस्तुत होदि से भाया के गोटे पिंड आम को आसे तो निहाती भाव आम पृथ्वी धक्का खाइबार संभावना सृष्टि हुए तो निश्चिंत भाव में विश्वर वैज्ञानिक मैंने तार आयदर गतिपथ बदलदेवे नतुबा महाकाश में ध्वंस करदेवार योजना करेंगे आज्ञा श्रीयुक्त पट्टनायक जहाँ बर्तमान सूचना कहूँ बर्तमान तार सेकेंड प्रति बेग रही सोलह किलोमीटर किंतु जदि बेग आम कम करने को चाहिए किंवा परवर्ती समय रे अति निकटतर हेले धीरे धीरे समय जिते पाखेब तेईस वर्ष रु जी गोटे गोटे समय जिते अतिक्रांत हो गोटे गोटे वर्षर समय बेगर परिवर्तन किंवा बेग हठात बढ़ी जा बेगर हठात ह्रास घटा सेमती किसी नजर को आसीपे कि ना बेग तार कक्षपथ एगुड़िक प्राय बदले ना कक्षपथ बदल जदि सी कौन गोटे बड़ पिंड निकटवर्ती हुए जमीक धरतु पृथ्वी को आसिया पूर्व से बृहस्पति निकटवर्ती है बृहस्पतिर माध्याकरण शक्ति पृथ्वी माध्याकरण शक्ति बहुत अधिका तेणु से समय दिग आग कि परिवर्तन हो पाए आईटा को वैज्ञानिक मैंने वर्तमान ठार कालकुलेसन करेंगे जोटार तार कक्षपथ जहाँ आपते जमी एप्रिल दुई तारीख सुधा जी तार कक्षपथ निर्णय कराई से बहुत सटिक तेणु आसंता छयास वर्ष पर सी आसो आम बर्तमान को आकलन कर सारे तेणु तार कक्षपथ कंप्यूटर मध्यम गणना करमर निकटवर्ती हम ताकि कहीपरचे मैंने दीर्घ मानते तेईस वर्ष पूर्व आकलन करे तेणु निश्चिंत भाव में तार बर्तमान आ कक्षपथ गति एगुड़ाक बेग तार बदल संभावना ना कहले चले आज्ञा गोटे प्रश्न मन को आसूँ जितेबले आम गोटे ग्रहर निकटतर होगा कथा कहे गोटे अन्य क्षुद्र ग्रह को सेतेबले कक्षपथ भितर जदि कि सेमती घर्षण जनित समस्या सृष्टि हैला प्रायतः नजर को आसी थाए जलवा भ्वलनशील सेमती हो जाए कि कौन प्रकार सेमती अधिक ध्वंस आड़क मुहाँ हैला भाया गोटे दुईट उदाहरण पूर्वर मध्य नजर को अच्छी सेमती किसी ज्वलनशील घटना सामना को आसी पारे कि देखु प्रत्येक दिन जब रात आकाश को लक्ष्य करेंगे देखिए गोटे तारा खसला बेल गोटे लाल गोटे खूब जोर पलि जागुड़िक सब गोटे गोटे ग्रहण प्रकृत से गुड़िक आकार एत छोटे से मैंने जितेबाला आम वायुमंडल प्रवेश करती वायुमंडल घर्षण फल गरम हो पोड़ जाती जली जाती आनेशत भाग अधिक छोट छोट जो पिंड गुड़िक जलिकी वायुमंडल पाउँश हो पड़ जाती बहुत खूब कम संख्यक छोट गोड़ी भाया हो पथर भाया आसी पृथ्वी पृष्ठ में पड़ता है जोटा कि एत आम क्षति पहुँचे न थाए तेणु जेहेतु यहाँ टे बड़ आकार शह मीटर पखापाखि रही निश्चिंत भाव में जल्वा आरंभ कर पृथ्वी पृष्ठ में पड़ा पूर्व तादेह निआ लग जाए यह नजीर मध्य रही गोटे ग्रहण जो पृथ्वी वायुमंडल पशे से घर्षण फल वायुर जो चाप फल से भांगिकी खंड विखंडित जाए आपड़ मन थी कि वर्ष ते आम केन्द्रापड़ा अंचल उल्का गोटे पड़ा तो से भाया भांगी जबार संभावना अच्छे आदि से पिंड टी भांगी जीव
ତାହେଲେ ସେଇଟା ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଭଲ। କାରଣ ଯଦି ବଡ଼ ପିଣ୍ଡଟେ ଆସି ପୃଥିବୀ ଦ୍ୱାରା ଧକ୍କା ଖାଏ ସେଇଟା ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ, ମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିକି ଚାରିଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା ସେଇ 100 ମିଟରର, ତାହେଲେ ସିଏ ଖୁବ୍ କମ୍ କ୍ଷତି ଆମ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁକା ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି ଅଧିକ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ସାର୍ ସେମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି କି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା କ୍ଷତି ଘଟାଇବ? ନା, ସେଇଟା ଆକଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କେବେ ବି। ସେଇ ଆକଳନଟା ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିବାର 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇପାରିବ, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିବ। କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କକ୍ଷପଥ ରହିଛି। ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ବେଳକୁ ଧରନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଚାରିଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା, କିମ୍ବା ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ ବେଳକୁ ବିସ୍ଫୋରଣଟେ ଘଟିଲା, ତେଣୁ ତାର ଦିଗ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପ୍ରକ୍ସିମେଟଲି କେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିବ, ଆପାତତଃ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା କଳନା କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏକଦମ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କହିବା ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ଏଇଟା ମିସାଇଲ୍ ନୁହେଁ, ବା ତାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁନେ। ସିଏ ଗୋଟେ ତାର ନିଜ କକ୍ଷପଥରେ ବୁଲୁଛି, ପୃଥିବୀ ଦ୍ୱାରା ଟାଣି ହୋଇ ଆମଡ଼େ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯେ ସେଇଟା ଜନବସତି ନଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆମର ବିଶ୍ୱରେ, ଆପଣ ଆମର ପୃଥିବୀରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, 3/4 ଜଳର ବା ସମୁଦ୍ର ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ କିଛି ଆମର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାର କ୍ଷମତାକୁ ଦେଖୁଛେ କିମ୍ବା ଏହାର ବେଗକୁ ଦେଖୁଛେ, ଗତିକୁ ଦେଖୁଛେ, ହଁ 23 ବର୍ଷ ପରେ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ଆଶା ଦେଉଛି କି 23 ବର୍ଷ ପରେ ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିବ, ହୁଏତ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, ହୁଏତ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ନ କରିଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଯେମିତି ଆମର ଆପଣ ମିସାଇଲ୍ କଥା କହୁଥିଲେ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଆମର ପାଣିପାଗ ଋତୁଚକ୍ର ଉପରେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହେ କି? ନା, ଏ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଆମର ଜଳବାୟୁ ହଉ ବା ପାଣିପାଗ ଉପରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକଦମ ଛୋଟ ପିଣ୍ଡ, 100 ମିଟର। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ 100 ମିଟର ମାନେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ 25-30 ହାତୀ ଆକାରର ସମାନ, ତ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡଟେ ଆମଠୁ କୋଟି କୋଟି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଆମର ଜଳବାୟୁ ହଉ ବା ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉତ୍ତାପ ବଢ଼େଇବା ହଉ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହୁଏନି, କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ତାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ଉପରେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଆମର କହୁଛି ଯେ କଥା ହେଉଛି 2046 କଥା, ପ୍ରକୃତରେ ସେବେ ବି ଆମର ପୃଥିବୀର ସେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ପୃଥିବୀର ବହୁତ ନିକଟକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଏତେ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ହୁଏତ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଲାଗିଛି, ହୁଏତ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁକା ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଯେଉଁ ଆପଣ ଖଗୋଳୀୟ ପିଣ୍ଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ରହୁଛି କି, ତାର ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ରହୁଛି କି ନିଜସ୍ୱ? ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଣ୍ଡ, ଆମ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଣ୍ଡ ରହିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଛୋଟ ହଉ ବା ବଡ଼ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଆଉ ସେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିଟି ନିର୍ଭର କରେ ସେ ପିଣ୍ଡର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବା ଓଜନ ଉପରେ। ଦୁଇଟି ପିଣ୍ଡ ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ପରସ୍ପରକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନିର୍ଭର କରେ ସେମାନଙ୍କର ଓଜନ ଉପରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦୂରତା ଉପରେ। ଯେତେ ଦୂରରେ ରହିବ ସେ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ସେତେ କମ୍ ହେବ, ମାନେ ସ୍କୋୟାରରେ କମିବ, ଆଉ ଯେତେ ପାଖରେ ହେବ ତା ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ସେତେ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ସେ ପିଣ୍ଡର ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବହୁତ କମ୍, ସିଏ ଆମକୁ ଟାଣିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିପାରିବା, କାରଣ ଆମର ପୃଥିବୀର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ତା ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଧିକ ନିହାତି ଭାବରେ। ଏହାର ବେଶୀ କିଛି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉ ନାହିଁ, 23 ବର୍ଷ ପରେ ହୁଏତ ପୃଥିବୀରେ ମାଡ଼ ହୋଇପାରେ, ହୁଏତ ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼ିପାରେ, ହୁଏତ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ସେ ନେଇକି ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆଶଙ୍କା ଏଇଥିପାଇଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ୟୁରୋପୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସିର ଯେଉଁ ଆକଳନ ରହିଛି ସେ ଲିଷ୍ଟର ଟପ୍ରେ ରହିଛି, ରିସ୍କ ଲିଷ୍ଟର ଟପ୍ରେ ରହିଛି ଏହି ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ଼, ଏବଂ ଏହି ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ଼ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିକଟତର ହେଉଛି ପୃଥିବୀଠାରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ସହ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ।